हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आज आपके सामने एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम नंबर 4। तो इससे पहले मैं ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ और इससे पहले एग्जांपल भी सॉल्व कर चुका हूँ। तो अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। अलॉय बार हैज अ बल्क मॉडुलस एज 150 गीगा पास्कल। ये बात करो कितना है 150, आपको क्या रखा है गीगा पास्कल दे रखा है। उसने बोला कि पॉइजन रेशियो एज 0.3, तो 0.3 आपको उसने पॉइजन रेशियो दे रखा है। तो उसने बोला फाइंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अब उसने क्या है कि आपको पूछा है कि आपको इसके अंदर जी बताना है और उसने बल्क मॉडुलस यानी कि आपको के दे रखा है। इस पूरे आपके क्वेश्चन के अंदर आपको ई कहीं नहीं दे रखा है। तो ई का जो फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस के केस में वो होता है आपका ई इज इक्वल 3 के ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 μ। तो मैं यहां पर रख देता हूं वैल्यू, जैसे मुझे पता है 3 × 150 हो जाएगा, तो 1 - 2 μ की वैल्यू आपको 0.3 दे रखी है, तो 0.3 हो गया। तो 3 × 150 × 0.4, ये 0.6 - 1 0.4 बचेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं 3 × 150 × 4/10। तो अब यहां पे सिंपल हो गया आपके पास क्वेश्चन। मैं इसको 2 से 2 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स कर लेता हूं। तो कितना हो जाएगा, अभी हम सिंपल तरीके से देखेंगे। 19 और 2 कितना हो गया आपका 18, ये शायद यहाँ पे एक 0, तो ये हो गया आपका 90 × 18 180 गीगा पास्कल आपकी वैल्यू निकल के आ गई ई की। तो 180 गीगा पास्कल आपके पास वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे ई की। तो मुझे पता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के केस में क्या फॉर्मूला था, ई इज इक्वल 2g 1 + μ। तो ई की वैल्यू मेरे पास 180 है, तो 180 मेरे पास ई की वैल्यू है, 2g मुझे फाइंड आउट करना है, 1 + μ यानी कि आपके पास 0.3 ये आपको दे रखा है। तो यहां पे अगर देखेंगे कि इसकी वैल्यू को मैं पुट करता हूं, ये 90 हो जाएगा, ये g हो जाएगा, ये 1.3 हो जाएगा। तो g ओवर 90 ओवर 1.3, अगर आप ऊपर इसको वैल्यू लेके जाएंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 69.2 ही आएगा, क्योंकि इससे पहली वाली प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व की थी उसमें 72 आ रहा था, वो सेम प्रॉब्लम थी, 180 गीगा पास्कल था पर वहां पे 0.25 था। तो यहाँ पे 0.25 की जगह 0.3 हो गया है, तो वैल्यू 72 से कम ही आएगी, तो 69.2 ही आएगी। आप कैलकुलेटर सॉल्व करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।